हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में स्वागत है। आज इस ऐप के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो एडिटिंग ऐप है ये। 4.8 रेटिंग इसको मिली है और 10 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड भी हुआ है। प्ले स्टोर पे है, एडिटर चॉइस भी इसे मिला है। ये काफ़ी अच्छा वीडियो एडिटिंग ऐप है, इसका नाम है इनशॉट। इस ऐप के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। ऐप के फीचर के बारे में बात करें तो इसमें फ्री फुल फीचर वीडियो एडिटर है और काफ़ी चीज़ें पेड भी हैं, लेकिन फ्री में ही काफ़ी चीज़ दी गई है। ऐड टू म्यूजिक वीडियो एक सब में रहता है। वीडियो फिल्टर इसमें अलग से दिया गया है। वीडियो स्पीड 100x तक है और रेशियो एंड बैकग्राउंड भी दिया गया है और काफ़ी चीज़ इसमें दिया गया है। अब आते हैं ऐप में दोस्तों। ऐप में आप इसको इंस्टॉल करके ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके सामने। आपको यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले देखते हैं मटेरियल को। मटेरियल में आपका प्रो वर्जन और एड रिमूव के लिए आप परचेस कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें इसमें फ्री भी हैं। बैकग्राउंड और वीडियो पैटर्न आप यहां से शॉप भी कर सकते हैं और प्रो वर्जन भी यहां से ले सकते हैं। अगले फीचर की बात करें दोस्तों तो आते हैं हम लोग प्रो वर्जन में। देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ये वेरियस अमाउंट के आपको दिए गए हैं। आप एक महीने के लिए भी इसको खरीद सकते हैं और 1950 में तो वन टाइम परचेस है। सेटिंग में देख लेते हैं। यहाँ से पहले इनशॉट प्रो दिया है परचेस करने के लिए। लैंग्वेज के ऑप्शन आते हैं। वीडियो सेटिंग, वीडियो सेटिंग में दोस्तों रिजोल्यूशन है, फ्रेम रेट है 30 फ्रेम रेट मेरे मोबाइल के हिसाब से सही है। और यहाँ पे वीडियो रिजोल्यूशन आप अपने से सेट कर सकते हैं। इसमें हाई रिजोल्यूशन होता है, इसको मैं 720 पे कर लेता हूँ, मिनिमम यही है दोस्तों। अगला फीचर है परचेस कुछ रिस्टोर करने के लिए दे रहा है। क्वेश्चन एंड आंसर ऐप के बारे में है, फीडबैक देने के लिए। और ऐड टैग, इसको आप ओपन करेंगे तो वीडियो पे वाटरमार्क आएगा और इसको फॉलो भी कर सकते हैं शॉट को। और यहाँ पे एक एप्लीकेशन दिया गया है उसके लिए अलग से, इसको भी देख लेते हैं। ये प्ले स्टोर पे है, फ़ोटो एडिटर के बारे में। इससे भी फ़ोटो एडिट हो सकता है, अगर अच्छा से करना है तो इसको भी कर सकते हैं। अब आते हैं, एक वीडियो लेते हैं, उसको एडिट करते हैं। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट का वीडियो सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट का नीचे ऑप्शन आ रहा है, उस पर क्लिक कर देते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे नीचे की तरफ काफ़ी सारे टूल्स दिए हुए हैं जिससे हमको वीडियो एडिट करना है। मैं कुछ के बारे में बताऊँगा, बाकी तो बहुत सारे हैं इसमें दोस्तों। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसमें बैकग्राउंड वाले ऑप्शन की। तो इसमें बहुत सारे बैकग्राउंड मिल जाते हैं, आप अपना इमेज भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ब्लर के लिए दिया गया है, मैं इसमें से कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कोई इमेज नहीं, आप इमेज भी लगा सकते हैं। तो आगे दोस्तों बात करते हैं, क्रॉप की ऑप्शन मिलता है। क्रॉप से आप वीडियो को अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हैं। काफ़ी वीडियो एडिटर में ये नहीं दिया होता है फीचर, लेकिन इसमें दिया गया है। इस तरह से देखिए मेरा वीडियो छोटा हो चुका है। और इसमें वेरियस रेशियो भी दिए गए हैं, आपको इंस्टाग्राम पे बनाना है, यूट्यूब के लिए, टिकटॉक शॉर्ट बनाना है, या अलग अलग रेशियो में वीडियो बनाना है, तो उसके लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। अब आगे बात करते हैं अगले फीचर की। तो इसमें स्पीड की बात करते हैं तो इसमें 0.2 मिनिमम स्पीड है और मैक्सिमम 100x तक जाता है, जो कि काफ़ी अधिक है। मैं इस पर करके तो नहीं दिखाऊँगा, लेकिन आप इससे एडिट कर सकते हैं। वॉल्यूम इससे अपना चेंज कर सकते हैं और ऑडियो अपना हटाकर म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं इसमें, जो कि हर वीडियो एडिटर में होता है, इसमें भी दिया गया है। स्प्लिट करके उसको दो पार्ट में तोड़ सकते हैं और अलग अलग ऑडियो ऐड कर सकते हैं दोस्तों। अगले फीचर की बात करें इसमें तो आता है वो कैनवास। कैनवास की तरफ जाते हैं, सबसे पहले ये मिलेगा। कैनवास में दोस्तों आप रेशियो वही रहेगा, आप वीडियो को जूम कर सकते हैं, रेशियो वही रहेगा या रेशियो भी सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें म्यूजिक आप काफ़ी दिया गया है, कुछ म्यूजिक दिए गए हैं। अगर आपको अलग से म्यूजिक नहीं डाउनलोड करना है तो इस ऐप में ही आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से अगर आपके पास इफ़ेक्ट दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ से ये सारे इफ़ेक्ट भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आप वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जैसा मैं इस समय काइन मास्टर से कर रहा हूँ दोस्तों। इसमें वीडियो आगे जाकर ये हाफ हो जा रहा है, पूरा नहीं आ रहा, तो मैं वहाँ से स्प्लिट कर देता हूँ पीछे का, ठीक है। मैं इसका रेशियो थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इसमें ट्रांजिशन इफ़ेक्ट भी दिया गया है। अब जैसे वीडियो को स्प्लिट करते हैं तो वहाँ के लिए कुछ अलग तरह से दिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मैं अलग अलग ट्रांजिशन इफ़ेक्ट आपको दिखा रहा हूँ। इसमें बहुत सारे दिए गए हैं,
आप कोई भी इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये 4.8 रेटिंग का वीडियो एडिटिंग ऐप है। दोस्तों मैंने स्प्लिट करके वहाँ से अब वीडियो के रेशियो को मैंने 16:9 कर दिया है जो यूट्यूब के लिए है। अब इसे मैं चला कर दिखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे शुरुआत में कुछ साइड में भी कुछ आ रहे हैं, इफ़ेक्ट आ रहा है, तो इसको मैं ब्लर कर देता हूँ यहाँ पे जाके बैकग्राउंड से। तो यहाँ पे देखिए अब ठीक हो गया है, अब मेरा वीडियो बिल्कुल ठीक है और यहाँ पे बिग स्क्रीन भी हो गई है। दोस्तों ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अब वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं अगले फीचर में। यहाँ पे स्टिकर दिया गया है, काफ़ी सारे स्टिकर आपको मिल जाते हैं, GIF भी आपको मिल जाता है और इसके अलावा दोस्तों आपको इमोजी का ऑप्शन भी इसमें मिलता है। इसके अलावा दोस्तों आप वेरियस प्लेटफॉर्म से भी इमोजी या स्टिकर को ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ फेसबुक दिया गया है, मैंने यहाँ से गेट किया तो 20 स्टिकर मुझे फ्री मिलेंगे, बाकी सब के लिए परचेज़ करना होगा। दोस्तों इसमें सबसे मेन फीचर है फिल्टर। फिल्टर में आप जाकर 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फ़िल्टर को। तरह तरह के कलर फिल्टर आपको दोस्तों आपके वीडियो के लिए मिलेंगे। कुछ इसमें से फ्री हैं, कुछ पेड हैं। तो जो आपका बैकग्राउंड जिसका कलरफुल है वो पेड है और जिसका ब्लैक एंड वाइट है वो फ्री है। पेड के लिए यही ऑप्शन है, आपको प्रो वर्जन चाहिए। वैसे भी फ्री में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं, आपको परचेज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, काफ़ी अच्छे ऑप्शन फ्री में ही आपको मिल जाते हैं। दोस्तों आते हैं अगले ऑप्शन में, एडजस्ट जो है यहाँ पे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रेस्ट, लाइट और यहाँ पे जो सिंबल दिए गए हैं वो पेड है, बाकी सब फ्री हैं। ये पेड ऑप्शन है यहाँ का और बाकी सब भी फ्री भी हैं। इसमें यहाँ पे कॉन्ट्रेस्ट, शार्पनेस ये सब अपना सेट कर सकते हैं वीडियो के लिए। दोस्तों अब आते हैं अगले फीचर की तरफ। फिल्टर के बाद आते हैं इफ़ेक्ट में। यहाँ पे काफ़ी सारे इफ़ेक्ट मिलते हैं। इसमें जो ब्लैक एंड वाइट दिया गया है वो फीचर पेड है, जैसे TV हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, सब पेड हैं और जो कलरफुल हैं ये सब फ्री हैं। यहाँ पे ओरिजिनल मैं रहने देता हूँ, मैंने केवल बताने के लिए ये सब कर रहा हूँ। और काफ़ी सारे अच्छे फीचर हैं इसमें। दोस्तों अब बात करते हैं अगले फीचर की, जो कि है एडजस्ट। एडजस्ट दोस्तों फिल्टर में ही आपको मिल गया होगा। यहाँ पे ब्राइटनेस, सेचुरेशन ये सब घटा बढ़ा सकते हैं, जैसे फ़िल्टर में है वही चीज़ है। दोस्तों इसके अलावा आप वीडियो को अपने रिवर्स भी कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं और फ्लिप भी कर सकते हैं और इमेज को यहाँ पे फ्रीज भी कर सकते हैं। ये इसमें ऑप्शन दी गई है, काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शन भी दिए गए हैं। दोस्तों आप अपने एडिटेड वीडियो का डुप्लीकेट बना के इसमें ऐड भी कर सकते हैं और उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने स्प्लिट किया था तो उसके जो स्प्लिट का दूसरा पार्ट है मैंने यहाँ पे डुप्लीकेट उसको कर लिया है। मैं इसको अब डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसे अब दिखाने के लिए किया था। दोस्तों प्री कट में जाके अगले ऑप्शन है, वहाँ पे ट्रिम। दोस्तों शुरुआत से और लास्ट से जो वीडियो के पार्ट हटाने हैं वहाँ से आप ट्रिम कर दीजिए और कट में आकर बीच में जो सब पार्ट हटाने हैं उसको हटा दीजिए। स्प्लिट में उसको कई पार्ट में तोड़ दीजिए, ये सब ऑप्शन है। यहाँ पे मल्टी स्प्लिट है, यानी कई खंडों में इसको तोड़ सकते हैं। दोस्तों अगले फीचर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों अगला फीचर है PIP, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। PIP में जाकर दोस्तों आप कोई वीडियो इसके ऊपर ऐसे ऐड कर सकते हैं, ये भी अधिकतर वीडियो एडिटिंग में दिया होता है। अब आते हैं दूसरे फीचर में, इसमें प्लस सिंबल में जाकर आप ब्लैंक इमेज या कोई वीडियो या फ़ोटो भी ऐड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। इसमें मैंने ये ब्लैंक इमेज इसको ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे कोई टेक्स्ट या कोई टेम्पलेट या स्टिकर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं सेव करने पे। सेव करने के लिए दोस्तों यहाँ पे 3 तरह के ऑप्शन मिलते हैं, रेजोल्यूशन, फ्रेम रेट और एस्टिमेटेड साइज। इसके अलावा इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप भी ज़रूर ट्राई करिए इसको।